हेलो स्टूडेंट्स, ब्लड तो ब्लड कैसे होता है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड होता है दैट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी में घूमता है। तो कंटेंस इसमें क्या होता है, जो रेड किसके कारण ये पॉसिबल है जो ब्लड हमें रेड दिखता है? तो इसमें रेड पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो इन इट्स सेल्स होती हैं। तो ब्लड इज क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज द ब्लड? ब्लड क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंटेंस प्लाज्मा। अब ये किससे मिलकर बता, ब्लड कंटेंस प्लाज्मा से, RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्सिस के, WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्सिस से, प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम इसे डीपली समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से होता है प्लाज्मा, किसे कहते हैं। अब टोटल अगर ब्लड देखें हम, तो उसका 55% प्लाज्मा होता है, यानी मैक्सिमम पार्ट्स किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। तो एक लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इसे प्लाज्मा बोलते हैं। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है लिक्विड, विच कंसिस्ट मेनली किसका होता है? वाटर का बना होता है। तो इट हैज मैनी सब्सटेंस डिजोल्व होते हैं इसके अंदर, इसमें 90% वाटर होता है, 90% कितना है तो क्या होता है इसमें? वाटर होता है। और इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड होता है, कॉमन सॉल्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन सबको प्लाज्मा क्या कहता है? कैरी करता है, ऑल दिस डिजोल्व सब्सटेंसेस को फ्रॉम वन पार्ट टू एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या क्या करती है? ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प कौन करता है? आपका करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो इसमें पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द किसके कारण? पिगमेंट, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? कैरी करती हैं इसको ऑक्सीजन को, एक्चुअली हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होता है जो इसको कैरी करने में हेल्प करता है। मैंने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, इसका हीमोग्लोबिन का। ठीक है, लंग्स कहाँ से? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स आर कैसी होती है स्टूडेंट? या आपकी सर्कुलर शेप्ड होंगी, सर्कुलर, दे डू नॉट, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता, इसमें न्यूक्लियाई, क्योंकि सेल्स जो होती हैं, हम जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, इस पर इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता। एक्सेप्शन केस में सिर्फ कैमल और लांबा, उसकी जो RBC होती है उसमें न्यूक्लियाई होगा, अदरवाइज किसी में भी न्यूक्लियाई नहीं होता, किसी भी RBC में। ठीक है, वेरी शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, यानी कि अगर RBC की देखें तो लगभग 120 डेज, 120 दिन होते हैं इसके लाइफ के। तो ईच रेड सेल लाइफ फॉर अबाउट लगभग 4 मंथ, मान लीजिए इतना ही होता लगभग, वन रीजन ऑफ द शॉर्ट लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर इसकी कंपेयर करें तो WBC प्लेटलेट्स, उनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ वो कैसी होती है? बहुत कम होती है। अब WBC वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन को, यानी कि ये क्या करता है, रोगों से लड़ने में सक्षम, यानी प्रोटेक्शन का काम करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है, रोगों से बचाती है, डिजीज से बचाती है, फाइट करती है अगेंस्ट जर्म और जितने भी फॉरेन बॉडीज पार्टिकल्स होते हैं, जिनके कारण क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो सम WBC ईट अप, तो ये क्या करती हैं, ईट अप करती हैं किस डिजीज को, कॉजिंग जर्म एज वेल। तो अदर WBC प्रोड्यूस करती हैं स्पेशल केमिकल जिसे बोलते हैं एंटीबॉडीज, जो फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन में फाइट करता है। तो ये आपका क्या है? WBC है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी WBC है। दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द टिनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स होती हैं, जो बोन्स मैरो में कि जिनकी उत्पत्ति होती है। RBC भी किसके द्वारा बनती है? बोन मैरो के द्वारा बनती है, जो बोन्स का पार्ट होता है, इनर पार्ट। प्लेटलेट ढूंढने, इसमें भी प्लेटलेट्स में क्या होता है? न्यूक्लियाई नहीं होता, जबकि अगर WBC की बात करें तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। प्लेटलेट्स हेल्प करती है किसमें? कोगुलेशन में, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, कट हो जाता है, बाउंड हो जाता है, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, ब्लीडिंग जो निकलती है तो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। क्या करती है? क्लॉटिंग कर देती है ब्लड को। ठीक है, स्टॉप, जिसके कारण क्या होता है? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो प्लेटलेट्स दिस टाइप्स की होती हैं, आपको देख रहे होंगे दिस टाइप की आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। ओके, तो ये था आपका ब्लड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा
टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी वैस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।